Assalamu alaikum to class. Take out your books of English Progressive. Open the page number 76. Today we will start the translation of this lesson. As you know, we have done the reading of this lesson, full lesson. Unit 13, lesson 3 Reading the Wildwood. Wildwood, uh, Ghana Jungle. As you read the story, ask yourself why didn't rat want to go to the Wildwood? जो रैट था जो चूहा था वो क्यों नहीं जाना चाहता था उस घने जंगल में मोल एंड रैड गुड फ्रेंड्स हु लिव्ड इन अ होल बाय अ रिवर मोल और रैड मोल छछूंदर है और रैट चूहा मोल और रैड बहुत अच्छे दोस्त थे हु लिव्ड इन अ होल जो कि एक सुराह में रहते थे बाय अ रिवर जंगल दरिया के पास दे नेवर वेंट इन टू द वाल वुड वो कभी भी घने जंगल में नहीं जाते थे रैट हैड एनदर फ्रेंड कॉल्ड मिस्टर बैजर जो रेड है उसका एक और दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर बैजर बैजर होता है बिजू हु था वाइल्ड वुड जो कि कहाँ रहता था वाइल्ड वुड में घने जंगल में रहता था बट मॉल डी डॉन्ट नो हीम लेकिन जो मॉल था वो उसे नहीं जानता था जो बैजर है वो फ्रेंड किसका था रैड का ठीक है रैड का फ्रेंड था और मॉल उसे नहीं जानता था आई वु आई वुड लाइक टू मीट मिसटर बैजर मैं मिस्टर बैजर से मिलना चाहता हूँ सेड मॉल मोल ने कहा कि जो तुम्हारा फ्रेंड है रैट को कहता है जो तुम्हारा फ्रेंड है मिस्टर बैजर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ डे एक दिन कैन वी आस्क हिम टू डिनर क्या हम उन्हें डिनर पर बुला सकते हैं किसी दिन डिनर शाम के खाने पे हम उसे बुला सकते हैं बैजर डजेंट लाइक गोइंग आउट टू डिनर सैड रेड ने कहा नहीं मिस्टर बैजर को अच्छा नहीं लगता उन्हें पसंद नहीं है किसी के घर डिनर पर जाना या किसी के हाँ डिनर पर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता दैन लेट्स गो एंड सी ही सैड मॉल मॉल ने कहा चलो फिर ऐसा करते हैं हम उन्हें मिल जा हम जाते हैं उन्हें देख आते हैं जाके उन्हें मिल लेते हैं ओ नो मिस बैजर वुडेंट लाइक डैट ऑल सैड रैट रैट ने फिर कहा नहीं नहीं मिस्टर बैजर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते वो चीज़ें इनको बिल्कुल भी, भी पसंद नहीं है ही इज़ वेरी शाए वो बहुत शर्मीले हैं एंड ही लिव्स इन द मिडल ऑफ द वाइल्डवुड और वो रहते कहाँ हैं जंगल के दरमियान में घना जंगल जो है उसके दरमियान में वो रहते हैं वाट्स द मैटर विद द वाइल्डवुड आस्ट मोल मोल ने कहा कि ये जो घना जंगल है इसके साथ क्या मसला है नथिंग सेटराटराट ने कहा कुछ भी नहीं बट वई वॉट गो नाओ लेकिन अब हम नहीं जा सकते इट्स अ लॉन्ग वे एंड ही वॉन्ट बी एट होम इन द समर के काफ़ी अर्सा हो गया है वो आ, एम, अपने घर में भी नहीं होंगे क्योंकि ये समर है ही विल कम टू सी अस वन डे वो कभी आएँगे हमसे मिलने किसी दिन वो हम हमसे मिलने आएंगे बट बेजर डिड नाट कम टू सी रेड लेकिन बैजर कभी भी नहीं आया रेड से मिलने के लिए मंस स्वेंट बाय एंड विंटर के महीने गुजरते गए और सर्दियां आ गईं वन आफ्टरनून एक दिन दोपहर के वक्त रेड वॉज स्लीप बाय द फायर रैड जो था चूहा जो था वो सोया हुआ था आग के पास आई वॉन्ट टू सी मिस्टर बैजर था मोल Um, मोल ने सोचा मैं मिस्टर बैजर से मिलना चाहता हूँ सो आई एम गोइंग टू सी मिस्टर बैजर तो मैं फिर जा रहा हूँ मिस्टर बैजर से मिलने के लिए क्वाइटली हमोशी से मोल वेंट आउट इंटू द कोल्ड आफ्टरनून खामोशी से मोल ने क्या किया मोल जो है मोल वेंट आउट मोल बाहर निकल गया इनटू द कोल्ड आफ्टरनून सर्दी की दोपहर थी एंड स्टार्टिंग टू वॉक स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द वाइल्ड वुड ओ घने जंगल की तरफ चलना शुरू हो गया एट फर्स्ट सबसे पहले व्हेन ही रीच था, ट्रीज जब सबसे पहले वो दृतू के पास पहुँचा ही फेल्टफाइन उससे सब कुछ ठीक लग रहा था ठीक महसूस हो रहा था बट सोन जल्द ही इट स्टार्टड टू गेट डार्क जल्द ही वहाँ रात होने लगी ओके okay, अल्लाह हाफ